हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड आई एम शारदा मल्लेकर एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट टू सम मोर इंफॉर्मेशन ऑफ रेक्टेंगल स्क्वायर्स एंड पैरेललोग्राम एंड रोम्बस. ओके सो लुक एट हेयर. यू हैव टू सेट स्क्वायर. सेट सेट मीन्स समूह. ओके इन योर इंस्ट्रूमेंट बॉक्स. आपके इंस्ट्रूमेंट्स बॉक्स में एक सेट होता है, जैसे रूलर होता है और इरेजर, पेंसिल, पेन, डिवाइडर एंड प्रोटेक्टर. ओके ये क्या हो गए, ये एक साथ होते हैं तो इन्हें क्या बोलेंगे, सेट बोलेंगे. ओके इट इज कॉल्ड बी सेट. वन इज 30 60. 30 माइनस 60 माइनस 90. इस फॉर्म में, इस शेप में आपको ये गिवन होता है. ओके इस टाइप्स का एक गिवन होता है. ये एक सेट स्क्वायर होते हैं, सेट होते हैं. ओके जैसे हम, हमारे पास कोई ट्रायंगल होता है, हम उसे मेजर करते हैं, सो डिग्री में मेजर करते हैं. ये एक साथ होते हैं, ये एक सेट होते हैं. टू सेट, एक स्मॉल होता है, एक बड़ा, एक स्मॉल और एक लार्ज होता है. ओके सो 30 डिग्री माइनस 60 डिग्री माइनस 90 डिग्री सेट स्क्वायर. द अदर इज 45 डिग्री माइनस 45 डिग्री माइनस 90 डिग्री सेट स्क्वायर. टू सेट स्क्वायर होते हैं, ये होते हैं टू. ओके यू एंड योर फ्रेंड कैन ज्वाइंटली डू थिस. इस टाइप का अगर हमारे पास और एक रहे तो अब हम उसे, ये तो एक शेप हो गया, सो इस तरफ ये होगा, सो इस शेप में होगा. अगर हम इन्हें ज्वाइन करें तो क्या होगा, बोथ ऑफ यू विल हैव अ पेयर ऑफ 30 डिग्री माइनस 60 डिग्री माइनस 90 डिग्री सेट स्क्वायर. प्लेस देम अस शोन इन द फिगर. इस फिगर में आप देखेंगे, इसे हम पहले ये और ये टू रहते हैं हमारे पास. अगर हम इसे ज्वाइन कर दें तो वो इस फॉर्म में, इस टाइप शो होगा. ओके कैन यू नेम द क्वाड्रिलेटरल डिस्क्राइब. इसे हम क्वाड्रिलेटरल्स के अकॉर्डिंग डिस्क्राइब कर सकते हैं. ओके क्योंकि क्वाड्रिलेटरल क्या होता है कि एक ऐसा पॉलीगन जो क्लोज्ड कर्व हो. ओके क्लोज्ड हो, इट इज कॉल्ड बी पॉलीगन एंड लाइन सेगमेंट से फाइंड होता है. सो व्हाट इज द मेजर ऑफ इच ऑफ इट्स एंगल. द क्वाड्रिलेटरल इज अ रेक्टेंगल. इसे हम रेक्टेंगल भी नाम दे सकते हैं. ओके अगर हम इनकी एंगल्स को मेजर करेंगे तो क्या होगा. वन मोर ऑब्वियस प्रॉपर्टी ऑफ द रेक्टेंगल यू कैन सी इज दैट अपोजिट साइड्स आर ऑफ इक्वल लेंथ. सो रेक्टेंगल में क्या होता है, रेक्टेंगल में क्या होता है स्टूडेंट्स, की अपोजिट साइड्स जो होती है वो इक्वल लेंथ की होती है. ओके इफ यू, ओके अपोजिट साइड्स इक्वल लेंथ की होती है. इफ यू यूज अ पेयर. सो रेक्टेंगल फाइंड करते टाइम हम जो हमारा शेप होता है वो शार्प, शार्प जो होता है वो स्मॉल वाला यूज करेंगे. 30 डिग्री 60 माइनस 60 डिग्री एंड 90 डिग्री. ओके एंड अगर हम 45 डिग्री माइनस 45 डिग्री माइनस 90 डिग्री इसको यूज करेंगे सो इसमें क्या फाइंड होगा, स्क्वायर फाइंड होगा. ओके सो रेक्टेंगल में क्या होता है, अपोजिट साइड्स जो होती है इक्वल होती है. एंड स्क्वायर में, स्क्वायर में आर साइड्स इक्वल होती है. देखेंगे ये साइड फोर साइड्स है, फोर साइड इक्वल दिख रही है आपको. आर यू एबल टू सी दैट ऑल द साइड्स आर ऑफ इक्वल लेंथ. सो उनकी जो स्क्वायर में जो फोर साइड्स होती है उनकी लेंथ भी इक्वल होगी. व्हाट कैन यू से अबाउट द एंगल्स एंड द डायगोनल्स. डायगोनल्स क्या होंगे, वो भी इक्वल होंगे. ट्राई टू फाइंड अ फ्यू मोर प्रॉपर्टीज ऑफ द स्क्वायर. आप अलग अलग लेंथ की कम से कम 5 स्क्वायर फाइंड करके देखेंगे. ओके एंड उनके डायगोनल इक्वल है या नहीं ये भी देख सकते हैं. एंड आप देखिए आगे, इफ यू प्लेस द पेयर ऑफ 30 डिग्री माइनस 60 डिग्री माइनस 90 डिग्री सेट स्क्वायर्स इन अ डिफरेंट पोजिशन. अगर हम इसे इस पोजिशन में लेंगे, अगर हम एक सेट स्क्वायर को इस पोजिशन में रखेंगे एंड एक सेट स्क्वायर होगा उस ऊपर हम इससे ऐसे ज्वाइन करेंगे. आप इस प्रकार ज्वाइन करके देखेंगे. ओके सो उसे हम क्या बोलेंगे, पैरेललोग्राम. ओके उसे हम पैरेललोग्राम कहेंगे. इसे पैरेललोग्राम
इसे स्क्वायर कहेंगे, इसे रेक्टेंगल। ओके पैरेललोग्राम में क्या होता है, डू यू नोटिस दैट द अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, अपोजिट साइड्स जो है वो पैरेलल है। ओके आर द अपोजिट साइड्स इक्वल, अपोजिट साइड्स इक्वल है। आर द डायगोनल्स इक्वल, डायगोनल्स भी इक्वल है। इफ अगर हम इसे फोर टाइप से, अगर इस टाइप से फर्स्ट में हम इसे रखेंगे, फर्स्ट में हम इस कंडीशन में रखें, देन अब हम इसे इस कंडीशन में रखेंगे, देन अब क्या करेंगे इस कंडीशन में रखेंगे, देन अभी मैं सॉल्व करके बताऊंगी। देन सेट स्क्वायर रोम्बस, ये क्या है, रोम्बस के पैटर्न में शो है। ओके देन आगे आप देखेंगे। सो स्टूडेंट्स रोम्बस में क्या होगा देखेंगे, पैरेललोग्राम में क्या होता है देखेंगे आप कि डिफरेंट अपोजिट साइड, डिफरेंट पोजीशन, डिफरेंट पोजीशन के टू सेट स्क्वायर्स होंगे। ओके आर द अपोजिट साइड्स इक्वल, अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं एंड डायगोनल्स भी इक्वल होंगे। ओके ये आप ध्यान रखेंगे, आगे हम टेबल फाइंड करेंगे। सो इसमें यही बात है, देन आप देखेंगे इफ यू यूज सेवरल सेट स्क्वायर्स, अगर हम सेट स्क्वायर, एक स्क्वायर वाला सेट है उसमें अगर हम और एक शार्प को ऐड कर देंगे, कैन बिल्ड अ शेप लाइक द वन गिवन हेयर, इस फॉर्म में गिवन होगा, इसे हम क्या बोलेंगे आप देखिए, हेयर इज अ क्वाड्रिलेटरल, ये एक क्वाड्रिलेटरल होगा इन विच टू साइड्स आर पैरेलल, टू साइड्स क्या होगी पैरेलल होगी। ओके इट इज अ ट्रेपेजियम, इसे हम ट्रेपेजियम कहेंगे। ओके हेयर इज एन आउटलाइन समरी ऑफ योर पॉसिबल फाइंडिंग कंप्लीटेड, सो हेयर इज क्वाड्रिलेटर इन विच टू साइड्स आर पैरेलल, इसमें टू साइड्स क्या होगी पैरेलल होगी। ओके सो ये क्या है, ये टेबल है, आपको इस टेबल को कंप्लीट करना है। ओके ये आपको होमवर्क है, ये टेबल है पेज नंबर 106 में, एंड इसे आप कंप्लीट करेंगे। सो स्टूडेंट्स इन डायग्राम्स को मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ। सो लुक एट हियर, फर्स्ट में क्या है, रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल में क्या होता है देखेंगे, वन मोर ऑब्वियस प्रॉपर्टी ऑफ द रेक्टेंगल यू कैन सी इज दैट अपोजिट साइड्स आर ऑफ इक्वल लेंथ, अपोजिट साइड्स क्या होती है इक्वल लेंथ की होती है। ओके इस प्रकार देखेंगे, ये क्या है, ये एक रेक्टेंगल है, इसके अपोजिट साइड्स ये है, इसके अपोजिट साइड्स ये है, सो ये क्या है, ये दोनों इक्वल है एंड ये दोनों भी क्या है इक्वल है। ओके सो टेक स्क्रीनशॉट, ये आप जब टेबल कंप्लीट करेंगे सो उसमें काम देगा। देन आई एक्सप्लेन स्क्वायर, स्क्वायर में क्या होता है आप देखिए, स्क्वायर 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 में क्या होगा, इफ ऑल द साइड्स ऑफ इक्वल, ऑल द साइड्स आर इक्वल लेंथ, इक्वल लेंथ की होगी। ओके स्क्वायर इस प्रकार होता है, इसके चारों साइड इक्वल हैं, ये क्या है इक्वल है। ओके सो टेक स्क्रीनशॉट, आप ऐसा नहीं करेंगे, आप ओनली ये नोट करेंगे। अगर हम शार्प को टू शार्प को पहले इस पोजीशन में ये देखेंगे आप, फर्स्टली हम इसे इस पोजीशन में नोट करेंगे। ओके सॉरी
सरफेस फॉर्म में गिवन होगा। देन पैरेललोग्राम पैरेललोग्राम इसमें क्या होता है, डिफरेंट पोजीशन अपोजिट साइड्स इक्वल अपोजिट साइड्स इक्वल एंड डायगोनल, डायगोनल क्या होता है मैंने बता दिया था, डायगोनल्स इक्वल, डायगोनल्स इक्वल होंगे। अपोजिट वर्टेक्स को अगर हम ज्वाइन कर देंगे तो उससे जो लाइन सेगमेंट लाइन यू लाइन फाइंड होगी उसे हम डायगोनल कहेंगे। ओके सो इसमें पैरेललोग्राम कैसा होता है आप देखेंगे। इस टाइप से होता है पैरेललोग्राम। ओके इसमें क्या होता है, अपोजिट साइड्स इक्वल, अपोजिट साइड्स इक्वल होती है, डायगोनल्स इक्वल होंगे, डायगोनल्स इक्वल होंगे। तो टेक स्क्रीनशॉट। देन आई एक्सप्लेन रोम्बस, रोम्बस, रोम्बस क्या होता है, फोर शेप में हम इसे फाइंड करेंगे। आप देखिए ये क्या है, 1 2 3 4 रोम्बस। ओके इसमें क्या होता है देखेंगे, इसमें 30 डिग्री 60 डिग्री एंड 90 डिग्री के सेट स्क्वायर्स यूज होते हैं, सेट स्क्वायर्स। ओके सो टेक अ स्क्रीनशॉट। देन आई एक्सप्लेन ट्रेपेजियम, ट्रेपेजियम कैसा होगा, एक स्क्वायर होगा। ओके एक स्क्वायर होगा, इसमें अगर हम और एक सर्फ को ऐड कर देंगे तो ये क्या हो गया, ये ट्रेपेजियम। ओके देन हियर इज क्वाड्रिलेटरल इन विच टू साइड्स आर पैरेलल, इसमें टू साइड्स क्या होगी, पैरेलल होगी, पैरेलल, टू साइड्स पैरेलल होगी। ओके पैरेलल मतलब समांतर, ये टू साइड्स पैरेलल। ओके अगर हम इसे इतना भी जोड़ने की कोशिश करें, ऐड करने की कोशिश करें, ऐड नहीं होगी ये टू साइड्स, तो पैरेलल होगी। तो ऐसे आपको पेज नंबर 106 के जो है कंप्लीट करना टेबल। सो टेक स्क्रीनशॉट। सो स्टूडेंट दिस इज योर होमवर्क एक्सरसाइज 5.7 ऑफ पेज नंबर 106 इन योर मैथमेटिक्स बुक फ्रॉम एनसीईआरटी बुक। थैंक यू।